अब घर गया था, हमसे लोग कह रहे भैया 24 का चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा यार पॉलिटिक्स की तैयारी कर रही हूं। अरे नहीं होता किसी का, तिवारी जी की लड़की दी थी 2 साल बाद पार मिली थी 20 लाख का पैकेज। तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, दैट इज नेचुरल फियर, वो अच्छी चीज है। जिस चीज की आप बात कर रहे हो वो फियर नहीं है, वो ओवर थिंकिंग है। आज का जो युवा है वो फियर से परेशान नहीं है, वो ओवर थिंकिंग से परेशान है। अब ये ओवर थिंकिंग क्यों है, उस फैक्टर पे आते हैं। ओवर थिंकिंग की वजह क्या, ओवर थिंकिंग की वजह ये है कि आज का समाज इतना एक्सपैंड कर चुका है। यू आर आउटसाइड योर हाउस, तुमको तुम्हारी दोस्त मिल गई कि मैं कल लंदन से आई, क्या लाइफ है लंदन में यार, और मैं तो ये कर रही वो कर रही, आपको लगा हम ही पागल है यार, आईएएस की तैयारी कर। फिर शाम को किसी फ्रेंड का फोन आ गया कि मैं तो अब ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ, मैं तो वहीं सेटल हो जाऊंगी। 90s में हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे, हमारी जो लाइफ थी वहां ओवर थिंकिंग इसलिए नहीं थी, आपने भी सर देखा होगा, क्योंकि हमारे पास इतने स्कोप नहीं थे। आज तुम्हारी जनरेशन में यू हैव मल्टीपल फील्ड्स, मतलब इतने सारे फील्ड्स ओपन है। तो जब तुम घूम के चारों तरफ देखते हो और तुम देखते हो कि तुम्हारे ही साथ के लोग बड़ी सारी फील्ड में एक्सेल कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, तो तुम्हारा दिमाग भागना शुरू करता है। फिर क्या होता है, हमारे पेरेंट्स हमसे ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि बड़े हमको लेकर कॉशियस होते हैं। एक हमने ओवर थिंकिंग की, हम अपना संभाल लें किसी तरह, हम घर के अंदर गए, मम्मी रो रही है कि वो निशा मिली थी 20 लाख का पैकेज है उसका। दूसरा प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ गया। ये जो प्रेशर्स हम मल्टीपल फेस करते हैं, तो एक तुम्हारा प्रेशर, एक माँ बाप का प्रेशर, पता लगा बुआ जी ने रात में फोन कर दिया, क्या कर रही हो जी, तुम सारे लोग प्रेशर से लड़ रहे हो इस वक्त मल्टीपल फ्रंट पे। ये कोई फियर वर नहीं है, ये प्रेशर दूर कैसे होगा इस पे थोड़ी सी बात कर ले। जहां इंटरनल ताकत है वहां कॉन्फिडेंस है। आज का युवा क्या कर रहा है, बादाम का तेल लगा रहा है, बादाम की क्रीम लगा रहा है, बादाम का साबुन लगा रहा है, खारा गुटखा आप लोगों को चूंकि हर तरफ प्रेशर झेलना है, तो प्रेशर झेलने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंटरनल पावर। तभी तो मैं जहां भी जाता हूं एक चीज रिपीट करता हूं, योगा करो, ध्यान करो, ध्यान करोगे मन ताकतवर हो जाएगा। हम किसके साथ रहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे एक दोस्त मेरे साथ आ रहे थे आज से करीब 7-8 साल पहले, धौलाकुआं से। रात का टाइम था और हम दोनों, मैं गाड़ी चला रहा था, हम इंडिया गेट के सामने से निकले, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अब हम बुढ़े हो गए हैं। मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा उतरो तो उन्होंने कहा कि क्या हुआ, मैंने कहा उतरो, तो उतरो जरा, उतर गए, मैंने दरवाजा बंद करो चले गए। आज तक मैंने उनसे बात नहीं की, वो उनसे पूछते हैं आज, अब तो खैर बात ही नहीं होती, पर वो बहुत उन्होंने कोशिश की कि अवध क्या हुआ, तुम दिन भर अपने आप को मोटिवेट करती हो, काम करती हो, जब तुम वापस घर में आती हो, अपने समाज में जाती हो, तो सब तुम्हारे मेंटल स्टेटस का थोड़ी है, वो तुम्हारी सारी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसीलिए तो माँ बाप हमारी संगत पे बड़ा ध्यान देते हैं। तुम्हें लगता होगा कि माँ बाप कितने बदमाश है, माँ बाप भगवान है, उनका एक्सपीरियंस तुम अपने दोस्तों को लेके जाया करो उनके सामने, कोई अल्ट्रासाउंड क्या करेगा जितना माँ बाप करते हैं, कोई स्कैनर क्या करेगा, सही बात है, देख के कोई फोटो कैमरा क्या फोटो खींचेगी, देख के बता देते, बहुत बहुत दुष्ट है ये, इसकी यहाँ के नीचे देखो यहाँ निशान है, बहुत दुष्ट है ये। और वो लॉजिक भी बड़ी अच्छी सी देते हैं, कोई कुछ भी देते हैं लेकिन बड़ा अच्छा सा लॉजिक देते हैं। तो ये हमारे साथ होता है, इसलिए हमें पहले गुरुकुल भेजा जाता था। और आज की हमारी सोसाइटी इसको सिर्फ नेगेटिव दिखाई पड़ रहा है। मैं अभी अब घर गया था, हमसे लोग कह रहे भैया 24 का चुनाव लड़ोगे? मैंने कहा यार पॉलिटिकल पार्टियां कह रही कि तुम सीधे प्रधानमंत्री बन जाओ अननेसेसरी परेशान किए होगा, अननेसेसरी दूसरों से मत। और ये एक जगह का नहीं है, ये यूनिवर्सल हो चुका है। तुमने कह दिया कि मैं आईएएस की तैयारी कर रही हूं, अरे नहीं होता किसी का, तिवारी जी की लड़की दी थी 2 साल बाद पागल हुई तुम इतने डिप्रेस समाज में रह रहे हो। वो तो महेश्वरी जी जैसे लोग हैं जिन्होंने बहुत लोगों को जिंदा कर रखा है,